एवरीवन, मैं आपकी प्यारी प्यारी दोस्त सहिता कुमारी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए नवरात्र स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही हेल्दी है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था दोस्तों, वो भी बहुत हेल्दी था, नवरात्र स्पेशल रेसिपी था, बहुत न्यूट्रिशन फूड डाइट था, जो आप फास्टिंग के दिनों में उसे कंज्यूम करके पूरा दिन भर एनर्जेटिक रह सकते हो। और बहुत ही अच्छी रेसिपी थी, इजिली बन जाता, कोई तामझाम नहीं था। तो बस आज फिर मैं आप लोग के लिए हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ। ये समर राइस है, तो समर राइस का मैं रेसिपी लेके आई हूँ दोस्तों। ये भी बहुत हेल्दी होता है और व्रत के दिनों में इसका अधिक इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। आपके यहाँ इसको क्या बोला जाता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। और इसमें बहुत ही न्यूट्रिशन रहता है दोस्तों, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट है। खासकर इसे व्रत के दिनों में अधिक इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये इतना उत्तम पौष्टिक आहार है कि इसको अब हम व्रत नहीं रहता है उस दिनों भी, हम कॉमन दिनों में भी रेगुलर अपने डाइट में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ये हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट है। व्रत के अलावा भी आप जब आप फास्टिंग नहीं रख रहे हो तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो अपनी डाइट। तो इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आयरन और फाइबर भरपूर मात्रा में है, जो हमारे शरीर में जाके हमको एनर्जी देते हैं, हमको तरोताज़ा रखते हैं। बहुत न्यूट्रिशन फूड डाइट है, तो इसे हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए व्रत के दिनों में। एक बार आप इसका सेवन कर लोगे तो दिन भर आपको कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होगी और बहुत तरोताज़ा महसूस करोगे। सारे काम जो व्रत में एक्स्ट्रा हो जाते हैं मेरे सखा और सखियों को, वो इजीली आप संपन्न कर सकते हो दोस्तों। और इसमें शुगर भी ज़्यादा नहीं रहता है, शुगर का क्वांटिटी बहुत कम रहता है। तो जो शुगर पेशेंट है, अगर वो फास्टिंग रख रहे हैं, तो आप इसको किसी भी कैसे भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। इसका खीर बना लीजिए आप, वड़ा बना लीजिए, पुलाव बना लीजिए, डोसा बना लीजिए, जैसे आपको इच्छा हो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। इसको सभी, हमारे बच्चे किड्स भी खा सकते हैं इसको, यंग जो हमारी जनरेशन है वो भी खा सकती है, और हमारे ग्रैनी भी इसको अच्छे से इसका सेवन कर सकते हैं। कोई नुकसानदायक नहीं है, बहुत हेल्दी फूड है। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत इजी डाइजेस्ट हो जाता है, गरिष्ठ पदार्थ नहीं है, उत्तम क्वालिटी का पौष्टिक आहार है दोस्तों। तो इसको हम नॉर्मल दिनों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इसी की रेसिपी आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फिर बनाते हैं देरी किस बात की। और ले लिया है दोस्तों, और समा चावल को हम 2 से 3 बार अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। फिर कढ़ाई मैंने पहले ही चढ़ा दिया था मेरे क्यूब से सकैन सखियों। यहाँ पे 4 स्पून करीब ऑयल है। अब हम इसका टेस्ट, हमारे जो फूड है रेसिपी, उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए 2 स्पून देसी घी है मैं इसको इसमें डाल रही हूँ दोस्तों। आप चाहो तो ये रेसिपी पूरा ऑयल में बना सकते हो या पूरा घी में, क्योंकि घी बहुत हैवी होता है, तो इसलिए दोस्तों मैंने सिर्फ 2 स्पून का इस्तेमाल किया है। अगर आप व्रत में टोटली खाना घी में खाते हो तो आप घी दे सकते हो। मैं दोनों को मिक्स करके ये रेसिपी बना रही हूँ दोस्तों। घी और ऑयल हमारा हीट हो गया है। घी, अगर टोटली आप घी में बनाते हो ना दोस्तों, तो घी डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत हैवी होता है। तो कोशिश करें कि दोनों मिक्सअप करके ही, घी देने से टेस्ट इनहेल्स होता है, मिक्सअप करके ही आप ये रेसिपी बनाएं। तो दोस्तों मूंगफली है, मूंगफली को हम थोड़ा सा जलाना नहीं है, फ्राई कर लेते हैं हम। काजू है 7 पीस, तो इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों किशमिश, वो वीडियो नहीं दिखा पाई फ्राई करते समय, मिस हो गया। तो काजू, बादाम, किशमिश, ये 3 फ्रूट्स का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स, इसको भी हम डालेंगे तो हमारा जो पुलाव होगा समर राइस का बहुत ही अच्छा आएगा। कम मात्रा में लिया है क्योंकि ये सभी गरिष्ठ होते हैं, थोड़ा हैवी होते हैं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो इसको ज़्यादा भी कर सकते हो या कम भी कर सकते हो इससे दोस्तों। अब हम इसमें जीरा डालेंगे 1 स्पून करीब, सौंफ डालेंगे 1/2 स्पून करीब, 2 लौंग डालेंगे दोस्तों, 1 गिर गया अंदर, 2 लौंग डालेंगे, फुल वाले लौंग डालिएगा दोस्तों, 2 इलायची डाल रही हूँ, फ्लेवर अच्छा आता है इन सब चीज़ों से पुलाव में, इसीलिए डाल रही हूँ दोस्तों 2 इलायची, मुँह खुला हुआ था, 1 दालचीनी डाल रही हूँ, कम मात्रा में इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये भी बहुत थोड़े गर्म होते हैं खड़े मसाले। अब हम इसमें 2 तेज़पत्ता भी डाल रहे हैं दोस्तों, 1 कड़ी पत्ता का डंठल था, करी पत्ता भी हमने इसमें तोड़ के डाल दिया है, लेकिन ध्यान से जब छींटा उड़ेगा तो आप धीरे धीरे लो टू मीडियम पे गैस को करके ये सब चीज़ें डालिएगा। अब हम थोड़ा सा अदरक चॉप्ड कर लिए हैं, उसको भी हम डाल रहे हैं इसमें दोस्तों। सारी चीज़ डालने के बाद अब हम मिर्ची डाल रहे हैं, मैं इस तरह डाल रही हूँ 4 मिर्ची, आप चाहो तो इसको बारीक करके चॉप्ड करके भी डाल सकते हो। अब दोस्तों हम इसमें पुदीने का पत्ता दे रहे हैं, टेस्ट इनहेल्स होता है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है पुलाव में। आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन ये फ्लेवर के लिए मैं दे रही हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ऑप्शनल है, आप चाहो तो दे सकते हो या नहीं भी। अब हम इसमें इस तरह 2 टमाटर छोटे छोटे चॉप किए हैं वो डाल देते हैं, साथ ही 2 छोटे छोटे आलू थे इसको काट के मैंने पानी में डाल दिया है,
अदरवाइज पानी में नहीं डालने से ये काले हो जाते हैं, क्यूब से सकाएं सकियो। अब हम इसको भी इसमें डाल देते हैं। तो दोस्तों बहुत इजीली 5 से 10 मिनट में बनके रेडी हो जाता है। सारे परिवार आप इसको एंजॉय कर सकते हो, बहुत ही हेल्दी है, कोई तामझाम नहीं है, इजीली बनके रेडी हो जाता है दोस्तों। और बहुत ही अच्छी बर्थ के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, इसे आप पूरे परिवार खा के एंजॉय कर सकते हो। और डायबिटिक पेशेंट भी इसका सेवन करके अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। अब ये एक कैरोट का, बड़े कैरोट का आधा हाफ छिलका निकाल के ऐसे चॉप कर लिया है, इसे भी मैं डाल रही हूँ। ये भी बहुत हेल्दी होता है व्रत में। गाजर का हलवा, गाजर का बर्फी भी लोग खा रहे हैं, इसी व्रत में खाते हैं दोस्तों, इसीलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ इस रेसिपी में। तो एक गाजर का हाफ मैंने ऐसे चॉप कर लिया है, हेल्दी है, तो इसको भी मैं इसमें डाल रही हूँ। तो दोस्तों अब हम सेंधा नमक दे रहे हैं, रॉक सॉल्ट है व्रत में, मेनली इसी को यूज़ किया जाता है खाने में। तो हाफ स्पून मैं इसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप सेंधा नमक नहीं खाते हो, नॉर्मल सॉल्ट खाते हो, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। अब इसको हम अच्छी तरह से मिला देते हैं। मिलाने के बाद इसको हम 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम पे पकने देते हैं, ऐसे ढक्कन लगा के हम इसको 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। तो दोस्तों समर राइस को मैंने 5 मिनट धो के छोड़ दिया था। अब हम इसमें 2 बार वॉश कर लिया था, अच्छी तरह वॉश कर लीजिएगा। 1 स्पून करीब ऊपर से घी मिला देते हैं, ज़्यादा नहीं, हैवी हो जाएगा दोस्तों। तो 1 टीस्पून करीब हमने इसमें घी डाल दिया है, हाथों से इसको मिला लेते हैं। इससे जो हमारे पुलाव बनेंगे दोस्तों बहुत ही अच्छे बनेंगे, टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आएगा। इस तरह आप थोड़ा सा 1 स्पून 1.5 स्पून घी मिला दोगे। मैंने 100 ग्राम समर राइस लिया था, आप जितना लोगे उस अनुसार मिला सकते हो। एक बार इस ट्रिक से आप ज़रूर बनाइएगा नवरात्र पे ये पुलाव। अगर आपको अच्छा लगेगा दोस्तों तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी दोस्तों। अब हम इसका ढक्कन निकाल लेते हैं दोस्तों। इसका ढक्कन हमने निकाल लिया है। अब हम इसमें दोस्तों समर राइस सारा डाल देते हैं। सारे समर राइस हमने डाल दिया है, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है दोस्तों, ट्रस्ट मी। दोस्तों इसमें जो भी इंग्रेडिएंट मैंने इस्तेमाल किए हैं, अगर आप इसमें से जो यूज़ करना चाहो आप उसका यूज़ कर सकते हो, और जो स्केप करना चाहो स्केप कर सकते हो, वो आपके टेस्ट पे या बट में आप कैसा खाते हो उस पर निर्भर करता है। लेकिन इस ट्रिक से आप बनाओगे ऐसे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है इसका। ऐसे बनाने के बाद जब हम फास्टिंग वगैरह करते हैं तो इसी तरह से इसको बना के भगवान को भी आप इसका प्रसाद भोग लगा सकते हो, उसके बाद हम कंज्यूम करते हैं। अब हम इसमें दोस्तों थोड़ा सा और नमक ऐड करेंगे, क्योंकि 1/2 स्पून हमने डाला था नमक, तो ये सीधा नमक ज़्यादा सॉल्टी नहीं होते हैं, इसमें समर राइस मैंने दिए इसीलिए मैं अपने टेस्ट अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। आपको जैसा पसंद है मेरे क्यूब से सकाएं सकी आप इसमें डाल सकते हो। साथ ही साथ इसमें मैं ब्लैक पेपर दे रही हूँ 1 स्पून, और थोड़ा सा 1/2 मिनट के लिए इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। 1/2 मिनट थोड़ा सा मिला उला लेते हैं। तो अब हम इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई किए थे, ड्राई फ्रूट्स भी देने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है दोस्तों। इस तरह से सिंपल तरीके से आप इसको कंज्यूम करोगे व्रत में तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप फास्टिंग रखे हो, इतना अच्छा और टेस्टी होता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों अब हम इसमें पानी दे रहे हैं। तो इस कटोरी से मैंने इसमें 2 कटोरी पानी डाला है। थोड़ा समर राइस जो है होते हैं दोस्तों वो पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना समर राइस इस्तेमाल कर रहे हो। अब हम इसको 3 से 4 मिनट पकने देते हैं इसमें। तो जब ये अच्छी तरह से सोक हो जाएगा, पूरा वाटर अच्छी तरह से सोक कर लेंगे हमारे वेजेज ड्राई फ्रूट्स और ये समर राइस, तब हमारा पुलाव बनके रेडी हो जाएगा। तब तक हम इसको 3 से 4 मिनट पकने देते हैं। दोस्तों 4 मिनट हो गया है, अब हम इसको देखते हैं। वाओ दोस्तों आप देख सकते हो ये कितना देखने में
गुड लुकिंग लग रहा है। जो भी इंग्रेडिएंट हमने डाली है उसे इसकी खुशबू महक इतनी अच्छी आ रही है दोस्तों कि मैं बता नहीं सकती आप लोग को। तो अगर आप धनी पत्ता खाते हो दोस्तों व्रत में तो आप धनी पत्ता दीजिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा। वैसे भी मैंने बोल दिया है कि अगर आप जो भी चीज़ व्रत में कंज्यूम करते हो इस समय से वो चीज़ आप इस्तेमाल कीजिएगा, अन अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो। तो बस इसको मैं मिला लेती हूँ, ये हमारा बनके रेडी हो गया है, अब हम इसको सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों नवरात्रि स्पेशल आपका ये समर राइस का टेस्टी खुशबूदार पुलाव बनके रेडी हो गया है। अब एक चीज़ हम इसमें और देंगे जो आपके फूड को इजी टू डाइजेस्ट करेगा, लेमन है दोस्तों। ये देने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ऑसम आता है, और आपने अगर ये खाया है इस तरीके से तो इजी टू डाइजेस्ट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जब आप इसको भगवान को भोग लगा दो तो आप जब इसको कंज्यूम करो तो ऊपर से लेमन का रस जरूर डाल दीजिएगा ताकि आपको इजी टू डाइजेस्ट हो जाए, गैस वैस ना हो और आपका जो मल वगैरह हो वो एकदम क्लियर हो। दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी मेरी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स पे अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। और अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। तो जब तक ऐसी ही प्यारी और हेल्दी रेसिपी के साथ मैं आप लोग से मिलती हूँ, तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए और ये हेल्दी सी रेसिपी खा के अपनी इस क्यूट सी दोस्त को याद करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।